तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स का चैप्टर है जर्नल। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये आप सही से नहीं समझेंगे तो आगे आप ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो उसमें आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको आगे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो समझ नहीं आएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जर्नल। तो जर्नल की हमारी डेफिनेशन होती है, जर्नल आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मतलब हमारे जो भी बिजनेस है, अगर हम किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आप इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, आपने कोई चीज़ खरीदी है, कोई चीज़ बेची है, किसी को आपने रेंट दिया है, किसी को सैलरी पे की है, बहुत सारे आपके खर्चे होते हैं, तो वो आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम उसको एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं वो हमारा होता है जर्नल, ठीक है। अब जब हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्लासिफाई करेंगे कि वो क्या कहते हैं, आप कैटेगरी वाइज आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। अब इसमें आप समझिए, जैसे आपके पास ये एक है, ठीक है, इसमें आपके क्या कहते हैं अलग अलग कलर्स के बॉल हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स के आपके बॉल हैं। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका जर्नल है, ठीक। और अगर आपसे ये बोला जाए कि इन बॉल्स को आपको उनके कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग बॉक्स में रखना है, तो अगर आपको रेड कलर का बॉल है वो आपको रेड कलर के बॉक्स में आपको रखना है, ठीक है। अगर आपका येलो कलर का बॉल है तो उसे आप येलो कलर के बॉक्स में रखिए, ठीक। अगर आपका ग्रीन कलर का बॉल है तो उसे आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर के बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं उसे कैटेगरी वाइज, कलर की कैटेगरी के वाइज हम उसे अलग अलग बॉक्सेस में रख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले रिकॉर्ड कर दिया जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे हम जैसे भी है उसको तुरंत हम रिकॉर्ड कर देंगे। बट जब उसको हम कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या होता है वो आगे चल के आप जर्नल के बाद पढ़ेंगे लेजर, बट अभी हम किस पे फोकस करेंगे, जर्नल पे करेंगे, ठीक है। तो हम जर्नल में सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनकी हम मनी के टर्म्स में उसको वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने लिखा है कि आपने फर्नीचर परचेस किया है, 5000 का फर्नीचर परचेस किया है, तो आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो कि फर्नीचर की कितनी वैल्यू है, 5000, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और बाय फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या कहते हैं, आपने भंडारा किया, ठीक है, तो उसका क्या है, आप वैल्यू नहीं निकालो क्योंकि वो आपका नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ठीक, तो वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। हम सिर्फ जिसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर उसका एक समरी बनाएंगे कि ये जो हमने रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई कर दिया है, उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर आखिरी में हम क्या करते हैं, उस सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो हम उसका रिज़ल्ट निकालते हैं कि बिज़नेस में आपके प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर आपको जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जिन्होंने आपके में पैसा लगाया है, गवर्नमेंट हैं, ठीक है, आपके ओनर हैं, फिर आपके कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उन सबको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपके कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक। अब हमें जर्नल की डेफिनेशन पता चल गई, सिंपल यही है, जर्नल इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। फिर आप आगे आइए, अब हम देखेंगे जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो पहले हमारा आता है डेट का कॉलम होता है, फिर हमारा आता है पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है। पहले हमारा क्या है, डेट है, फिर आपका है पर्टिकुलर्स,
फिर एक ये कॉलम होता है लेजर फोलियो, देन आपका होता है डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब जैसे कि आपने थ्योरी के चैप्टर में पढ़ा होगा, डबल एंट्री सिस्टम वाला जो चैप्टर है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका ड्यूअल इफेक्ट होता है, मतलब दो चीज़ें इफेक्ट करती है, या तो कोई चीज़, एक चीज़ आपकी इंक्रीज़ कर रही होगी, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ कर रही होगी, या दोनों चीज़ इंक्रीज़ कर रही होगी और दोनों चीज़ डिक्रीज़ कर रही। अब बाई चांस आप क्या कहते हैं, शॉप मार्केट में गए और आपने क्या कहते हैं, रसगुल्ले ख़रीदे, ठीक है, आपके पास 500 रुपये थे, आपने 500 रुपए के रसगुल्ले ख़रीदे, ठीक, तो आपने जब रसगुल्ले ख़रीदे तो आपके पास क्या हो रहा है, रसगुल्ला आ रहा है, ठीक, और आपके पास से ये 500 रुपए जा रहे हैं, तो एक चीज़ आ रही है और एक चीज़ जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि दो जगह इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, आपके पास रसगुल्ले की क्वांटिटी बढ़ रही है और कैश आपके पास आपके वॉलेट से कम हो रहा है, तो यही होता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है, इसीलिए डेबिट होता है एक अमाउंट आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी एंट्री फॉर्मेट में है डेट लिखेंगे। अब जो भी हम एंट्री करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, कि जो डेट पहले आई है, जो ट्रांजैक्शन पहले डेट पे हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, जो उसके बाद है उसको बाद में। जैसे अगर कोई चीज़ 1 अप्रैल को हो रही है और कोई चीज़ 5 अप्रैल को हो रही है, तो हम पहले 1 अप्रैल की एंट्री करेंगे फिर 5 अप्रैल की करेंगे। तो अब हम डेट वाइज कर रहे हैं, तो पहले हम डेट लिखेंगे, फिर आपका पर्टिकुलर्स आता है, जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करते हैं, और ये लेजर फोलियो आपका होता है, जैसे हमने आपको बताया कि जर्नल के बाद आप लेजर बनाते हैं, तो उसका पेज नंबर होता है कि आपने वो कौन से पेज नंबर पे इसकी एंट्री करी है लेजर में, ठीक है। फिर आपका डेबिट अमाउंट होता है और क्रेडिट होता है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक, फिर उसके बाद आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे, उस बेसिस पे आपको क्या कहते हैं एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, 5,000 का आपने फर्नीचर ख़रीदा है कैश देके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास फर्नीचर आ रहा है और 5,000 रुपये जा रहा है, तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट है, ठीक। अब आप देखिए, ये जो हम एंट्री करते हैं तो ये हमारे क्या कहते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें इसे एंट्री करनी होती है, ठीक है, और वो रूल्स हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे डिवाइडेड होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपके 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, फिर आपका होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पर्सनल अकाउंट में क्या है, पर्सन है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोई नाम से हो रहा है कि राम ने किया है, श्याम ने किया है, गोपाल ने किया है, मोहन ने किया है, तो वो हमारा कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मतलब जिसको मिल रहा है, रिसीवर का मतलब क्या हो रहा है, जिसे मिल रहा है उसे आप क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और जो दे रहा है वो क्या कहलाता है, गिवर, तो उसे आप क्रेडिट करते हैं। तो अगर क्या कहते हैं, आपका एंट्री है, एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एंट्री है वी गेव ₹20,000 टू गोपाल, आपने क्या किया है, गोपाल को ₹20,000 दिया है, ठीक है, गोपाल को दिया है। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, गोपाल को मिल रहा है पैसा, वो कौन है, रिसीवर है, तो आप एंट्रीज की क्या कर देंगे, गोपाल को क्या करेंगे, आप डेबिट कर देंगे, ठीक है, और कितने अमाउंट से, 20,000।
अब आप ये देखेंगे कि क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा, तो क्रेडिट हमारा आपका क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, ठीक है। वो अब आगे जो रूल आप पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा। फिर आपका है रियल अकाउंट, आपका दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपके जितने भी एसेट्स हैं वो आते हैं उसमें, रियल अकाउंट है। जैसे आपका कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो ये सब आपका क्या है, रियल अकाउंट में आएगा। तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आपके पास आ रही है उसे आप डेबिट करेंगे और जो चीज़ आपके पास से जा रही है उसे आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नॉमिनल में। नॉमिनल में आपके जितने भी खर्चे हैं, जो भी आपके बिज़नेस में नुकसान लॉस हो रहा है या आपको जो भी मुनाफा हो रहा है, इनकम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, वो आता है। तो जितने भी आपके क्या कहते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं आप उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे एक पूरा इलस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है। ये रूल आपका लिखा हुआ है, अब आपका है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, जब हम जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या होता है, गुड्स कहलाता है, ठीक। अब जैसे बाय चांस आपने बॉटल बनाने का बिजनेस किया है तो वो जो बॉटल आप बना के बेच रहे हैं वो आपका गुड्स कहलाता है, या तो आप उसे गुड्स बोलिए और आप इसे स्टॉक भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन अकाउंटिंग टर्म में जब इस गुड्स को आप ख़रीदते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, ठीक। और जब आप इसे बेचते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल्स। तो जब आपके क्वेश्चन में अगर ये आता है कि आपने गुड्स ख़रीदा है तो आप परचेज से लिखेंगे, और जब आपने गुड्स बेचा है तो आप उसे सेल से लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई सामान ख़रीदा है और वो डिफेक्टिव निकल जाता है तो आप क्या करते हो, उसको दुकानदार को जाके रिटर्न करते हो। तो आपने पहले परचेस किया था, अब आप क्या कर रहे हो, जो परचेस किया है उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या हुआ, परचेस रिटर्न, मतलब हमारे पास गुड्स था वो हमने उसको वापस कर दिया। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ खराबी निकल गई। ऐसे ही सेल्स, अब आपने सपोज किसी को बेचा था सामान और उसको वो गुड्स नहीं समझ में आए, उसमें कुछ खराबी है, डैमेज्ड है, तो उसने आपको वापस किया तो वो क्या होगा, आपने सेल्स किया था, अब वो आपको रिटर्न कर रहा है तो वो आपका कहलाएगा सेल्स रिटर्न। अब एग्जांपल देखिए, पहला इलस्ट्रेशन है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप पैसा लगाते हैं बिज़नेस में। जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और 1,00,000 रुपये लगाया, आपका है स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000 कैश, ठीक है। अब आपने 1,00,000 कैश लगाया है बिजनेस में, तो जब आप बिजनेस शुरुआत करते हैं और जो पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, इसको हम हिंदी में पूंजी बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं या स्टॉक लगा रहे हैं या कोई फर्नीचर खरीद के लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो अब आप रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, एक आपका क्या आया, कैपिटल आया, और दूसरा आप किस फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कैश आया, ठीक। पहले आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, आपने ट्रांजैक्शन देखा उसमें लिख लिया कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं, आपने लिखा कैपिटल, दूसरा लिखा कैश। अब आपको ये देखना है कि कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, क्यों, इसलिए क्योंकि कैपिटल कौन लगा रहा है, ओनर लगा रहा है। ओनर कौन है, एक पर्सन है, इंसान है, इसीलिए वो हमारा पर्सनल अकाउंट में जाता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर पैसा लगा रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक। फिर आपका कैश है, कैश आपका एसेट होता है, एसेट किस में जाता है, रियल अकाउंट में। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, तो जब कोई चीज़ आ रही है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी,
कैश आपका डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। हम कोई भी एंट्री करते हैं उसके आगे ऐसे अकाउंट लिखते हैं, डेबिट करते हैं तो ये DR एब्रीविएशन लिखते हैं और टू कैपिटल अकाउंट करके, और नीचे हमें एक नरेशन देना होता है, ठीक है। और नरेशन हमारा हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगा। तो अब हमने इसमें क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस, तो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। एक छोटा सा हमें इसमें उसके डिटेल देना होता है कि ये एंट्री हमने किस लिए किया है। ठीक है, अब आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 1,00,000 रुपए लगाया, आपका कैपिटल हो गया। अब वो उस 1,00,000 में से आप कुछ खरीदेंगे, आपने क्या कहते हैं परचेज किया है, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। अब आपने क्या किया है, 5,000 का गुड्स खरीदा है, ठीक है। मतलब खरीदे का मतलब आपका क्या हुआ, परचेज होता है, ठीक। तो परचेज है, इसमें आपके कौन से दो अकाउंट आए, एक आपका परचेज आ गया और ये क्या है, कैश है 5,000। तो दो अकाउंट आया, एक आपका परचेज हुआ और एक आपका कैश हुआ, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये कौन सा परचेज आपका डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कैश आपका डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो हम ये देखेंगे कि जो परचेज है वो हमारा क्या है, गुड्स है। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारे पास गुड्स आ रहा है, ठीक है। गुड्स हमारा क्या है, गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, ठीक। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आपके पास आ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने से, 5,000 से, ठीक। और अब हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल का रूल आपको फिर से दिखा रहे हैं इधर, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कैश आपके पास से जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। हमेशा आपका ये अमाउंट डेबिट और क्रेडिट सेम होता है, और आखिरी में जो आप बैलेंस करते हैं सारे ट्रांजैक्शन जब कर लेते हैं तो उसका एंड आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है, ठीक। अब हम आते हैं, अब हमारे जो परचेज होते हैं, हम सामान खरीदते हैं तो हम दो तरीके से खरीदते हैं, ठीक है। अब हम परचेज कर रहे हैं तो दो तरह के होते हैं, एक आप क्या करते हो, कैश पे खरीदते हो, एक आप क्रेडिट पे खरीदते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। तो एक हम क्या करेंगे, तुरंत पैसा देके हमने खरीद लिया, और एक हम उससे कहेंगे भैया हम आपको कुछ टाइम बाद देंगे, तो वो हमारा क्या हुआ, क्रेडिट परचेज हुआ, ठीक। तो जब हम आपने कैश पे परचेज किया है तो आपकी एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक। बट हो सकता है कि आपने उधार पे किया है, तो जब आप उधार पे करते हो तो फिर आपका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है, आपने क्वेश्चन लिखा परचेज गुड्स ऑफ ₹8,000 फ्रॉम गोपाल, ठीक। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि नाम आ रहा है, कैश कहीं भी नहीं आ रहा है, ये आपका नाम आ रहा है। तो जब नाम से आ रहा है तो मतलब आपने उधार पे खरीदा है, अभी आपने पेमेंट नहीं की है, तो इसमें कैश कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका दो चीज़ हुआ, दो अकाउंट आया इसमें, एक हुआ परचेज, ठीक, और एक आपका क्या हुआ, गोपाल हुआ। अब आप ये देखेंगे कौन सा अकाउंट है, जैसे परचेज है तो परचेज आपका क्या है, रियल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि गुड्स आपके पास आ रहे हैं, गुड्स क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज आपका क्या है, रियल अकाउंट है। तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक। अब गोपाल कौन है, गोपाल आपका पर्सनल अकाउंट है, नाम आ रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब गोपाल को आप क्या करेंगे, वो गिवर है, वो आपको गुड्स दे रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा।
ठीक है, कितने से? 8000 और 8000 से, ठीक। अब इतना हो गया समझ? ठीक है बच्चों, आज हमने क्या देखा कि जर्नल क्या होता है, ठीक है। आपने ये जाना कि जर्नल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आपने देखा कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, आप जर्नल की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। फिर आप देखें कि वो किसके बेसिस पे होता है, वो डबल एंट्री सिस्टम पे होता है, तो डबल एंट्री सिस्टम में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, फिर उस अकाउंट्स के क्या क्या रूल होते हैं। फिर हमने आपको कुछ एग्जांपल समझाए कि क्या कहते हैं, कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको समझ समझ के एंट्री। इसमें आपको बिल्कुल भी रटना नहीं, अगर आप रटेंगे तो आप अभी कर लोगे, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, बट आगे फ्यूचर में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट समझ के एक एक चीज़ जैसे हमने आपको बताया है वैसी आप आज इसको प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी हम आगे एग्जांपल इलस्ट्रेशंस के साथ आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।